मैन बिहाइंड पावर। ब्रूसली की ये बात बहुत ही मिस्ट्री क्रिएट करती है कि कैसे कोई इंसान कैसे इतनी तेजी से फाइट कर सकता है। जब ब्रूसली शूट करते थे तो उनकी शूटिंग सीन को 32 फ्रेम पर सेकंड में रिकॉर्ड किया जाता था और स्लो मोशन में प्ले करके देखा जाता था, क्योंकि रियल सीन को कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पाता था। इतनी ज्यादा स्पीड में शूटिंग करना आम पर्सन के लिए इम्पॉसिबल सी बात है। ब्रूसली का मन एजुकेशन में नहीं लगता था, लेकिन फिर भी ब्रूसली के लाइब्रेरी में 2000 से ज्यादा किताबें पाई गई। मैनी पीपल considered that Bruce Lee as a great philosopher and he is also too good at drawing. जहां normal इंसान 30 से 75 किलो का पैटिंग बैग यूज करते हैं, वहीं Bruce Lee 150 किलो का पैटिंग बैग यूज करते थे, क्योंकि 30 से 75 किलो वाले पैटिंग बैग उनके पंच के प्रेशर को नहीं झेल सकते थे। Bruce Lee की डेथ वर्ल्ड की मोस्ट फेमस मिस्ट्री है और हर इंसान उसमें इंटरेस्टेड है। नाउ इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू हैव ऑल अबाउट Bruce Lee द ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट, सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड एंड सब्सक्राइब करके हमारे कम्युनिटी का मेंबर बने, ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज आप आसानी से देख पाए। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में चीनी परिवार में हुआ था। ब्रूस ली की माँ जर्मन थी, इसीलिए उन्हें हाफ जर्मन भी कहा जाता है। ब्रूस ली के फादर का नाम था ली होई चून, जो एक ओपरा आर्टिस्ट और फिल्म मेकर थे। उनकी माता ग्रेस हो हाउसवाइफ थी। ब्रूस ली को मिलाकर वो चार भाई बहन थे। ब्रूस ली का परिवार जल्द ही अमेरिका से हांगकांग आ गया था, क्योंकि ब्रूस ली के पिता एक आर्टिस्ट थे तो उनकी फिल्म इंडस्ट्री में काफी जान पहचान भी थी। इसलिए ब्रूस ली ने 6 साल की उम्र में ही चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म में काम करना चालू कर दिया था। बहुत ही कम समय में ब्रूस ली ने एक के ऊपर एक 20 फिल्मों में काम किया। ब्रूस ली अपने छोटे उम्र में काफी कमजोर थे। वो हांगकांग के स्लम एरिया में रहते थे, जहाँ उन्हें वहाँ के बच्चे परेशान किया करते थे और मारा पीटा भी करते थे। इस पे उनके पिता ने उन्हें कहा कि वो मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले, और फिर ब्रूस ली ने कड़ी मेहनत और कंसिस्टेंसी से मार्शल आर्ट्स में मास्टर्स कर ली। 13 साल की उम्र में ब्रूस ली ने इपमैन के साथ साथ विंग चून की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। इपमैन को ब्रूस ली अपना असली गुरु मानते हैं। इसके अलावा ब्रूस ली भारतीय गामा पहलवान से भी काफी प्रभावित थे, और फिर ब्रूस ली के पिता ने ब्रूस ली को अमेरिका भेजने की डिसीजन ली, ताकि वो वहां जाकर अपनी आगे की एजुकेशन को कंटिन्यू कर सके। ब्रूस ली ने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में एडमिशन लिया, लेकिन उनका मन इन सब में कहां लगता था। बाद में वो कॉलेज के बच्चे को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने लगे और पैसे भी कमाने लगे। उसी पीरियड ऑफ टाइम में वो मिले लिंडा एमले से, फिर दोनों ने 1964 में शादी भी कर ली, और फिर इन दोनों कपल्स को 2 बच्चे भी हुए। बेटी का नाम सैनोन ली और बेटे का नाम ब्रैंडन ली होता है। ये वो टाइम था जब ब्रूस ली मार्शल आर्ट की दुनिया में अपनी पहचान बनाने लग रहे थे। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने नॉन चाकुओं से 25 किलो तक का ताकत पैदा कर सकते थे। ब्रूस ली को हाइड्रोफोबिया था, इसलिए उन्होंने कभी भी लाइफ में स्विमिंग करनी नहीं सीखी। ब्रूस ली की ये बात शायद ही आपको पता हो। ब्रूस ली का एक पंच 148 किलो का फोर्स जनरेट करने में सक्षम था। ब्रूस ली अगर किसी भी इंसान को 3 इंच की दूरी से पंच मारते थे तो वो 9 से 10 फीट दूर जाकर गिरता था, और अपनी फुल पावर में तो वो 20 मीटर दूर तक फेंकने की क्षमता रखते। एक 5 फीट 8 इंच वाले हाइट और 60 से 62 किलो के इंसान में इतनी ताकत कैसे आई, ये कोई मिस्ट्री से कम नहीं। जैकी चैन भी ब्रूस ली से बहुत इंस्पायर्ड है और उन्हें अपना गुरु मानते हैं। ब्रूस ली एक अच्छे डांसर भी थे। 1958 में उन्होंने एक डांस शो में फर्स्ट रैंक पाया था। 1962 के एक टूर्नामेंट में ब्रूस ली ने अपने अपोजिट प्लेयर को 11 सेकंड में 15 घुसे और एक किक की मदद से जीत कर दिया। बताया जाता है कि ब्रूस ली रोजाना 5000 से ज्यादा पंच प्रैक्टिस किया करते थे। वो एक बार में 1500 पुशअप्स मार लिया करते थे। उनकी 2 फिंगर पुशअप्स को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे। वाशिंगटन में ब्रूस ली ने जून फैंग बुंज फू के नाम से एक इंस्टीट्यूट भी खोला था, जहां वो स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट सिखाया करते थे। इस वक्त तक ब्रूस ली को मार्शल आर्ट का भगवान समझा और जानने लगा गया था, लेकिन हॉलीवुड में अभी भी उनके नाम का डंका बजना बाकी था। ईयर 1964 में ब्रूस ली ने एक टीवी सीरीज में काम किया, जिसका नाम था द ग्रीन हॉर्नेट। ये सीरीज काफी पॉपुलर भी हुई थी उस टाइम पे। फिर ईयर 1969 में ब्रूस ली ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। बहुत सारे फिल्मों में उन्होंने काम किया जो कि उस समय की पॉपुलर भी रही। उनकी सबसे पॉपुलर फिल्म 1972 की द वे ऑफ ड्रैगन, जिससे वो और भी पॉपुलर हो गए। इस फिल्म के बाद वो एक राइटर, एक्टर और कोरियोग्राफर भी बन गए थे। 10 मई 1973 को ब्रूस ली जब अपनी फिल्म एंटर द ड्रैगन की डबिंग कर रहे, तभी वे अचानक गिर पड़े। फिर उन्हें हॉस्पिटल लाया गया, जहां पता चला कि उन्हें सेरेब्रल एडेमा नाम की बीमारी है। फिर कुछ ही दिनों में ब्रूस ली इस डिजीज का भी क्योर करके घर वापस आ गए। आने के बाद उन्होंने अपनी अगली फिल्म गेम ऑफ डेथ की प्लानिंग करने शुरू कर दी। इस फिल्म में वो जेम्स बॉन्ड फिल्म के स्टार जॉन लेजेंड के साथ काम करने की योजना बना रहे थे, लेकिन 20 जुलाई 1973 को अचानक उनके शरीर में दर्द होने लगा। दर्द को दूर करने के
के लिए ब्रूस ली ने पेन किलर्स लिए, लेकिन कौन जानता था कि ब्रूस ली अब हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। ब्रूस ली को क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल लाया गया, जहां उन्हें मृत मान लिया गया। जांच में पाया गया कि ब्रूस ली की मौत एलर्जिक रिएक्शन से हुई है। असल में ब्रूस ली हशीश बहुत ज्यादा लिया करते थे। ये एक प्रकार की ड्रग होती है जो उस समय पर लीगल हुआ करती थी। कुछ डॉक्टर्स का मानना है ब्रूस ली की मौत पेन किलर्स और हशीश के रिएक्शन के चलते हुई है। इसके अलावा ब्रूस ली ने अपनी आर्म पीट की सर्जरी भी कराई थी, जिससे उन्हें पसीना ना आए, जबकि पसीना हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक कंपोनेंट को बाहर निकालता है। अगर ये बॉडी से बाहर ना निकले तो ये जानलेवा भी हो सकता है। अनदर थ्योरी ये है कि ब्रूस ली के परिवार पर किसी ने जादू टोना कर रखा था, क्योंकि ब्रूस ली के बेटे ब्रैडन ली की मौत 1964 में मात्र 28 साल में ही हो गई थी। ब्रूस ली की मौत के बाद उनकी कई फिल्में जैसे कि द गेम ऑफ डेथ, ड्रैगन द ब्रूस ली रिलीज हुई। इसके अलावा ब्रूस ली के ऊपर ना जाने कितने ही फिल्में बनी। ब्रूस ली की मौत के बाद हांगकांग की गवर्नमेंट ने एक टीम भी बनाई जो कि पता करती ब्रूस ली के मौत की सच्चाई, लेकिन आज तक ये मिस्ट्री अनसॉल्व्ड रही है। बाद में ब्रूस ली की पत्नी लेंडा यन ने ब्रूस ली के ऊपर एक किताब भी लिखी, जिसका टाइटल उन्होंने रखा द ओनली मैन आई न्यू। न्यूयॉर्क टाइम द्वारा ब्रूस ली को 20th सेंचुरी के टॉप 100 मोस्ट पावरफुल मैन के लिस्ट में रखा गया था। साल 2013 में अमेरिका के चाइना टाउन में ब्रूस ली की एक स्टैचू भी लगाई गई थी। तो दोस्तों, ये थी एक मोस्ट टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल मार्शल आर्ट एक्टर और राइटर की स्टोरी, ब्रूस ली मैन बिहाइंड द पावर। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। बाय द वे, अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।